हमारे प्रिय जवान मर रहे हैं, कई सिविलियन मर रहे हैं, ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है। कल भी एक वाक़ा जो यहाँ हुआ, बड़ा दर्दनाक वाक़ा हुआ, उसकी तहकीकात होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि कैसे यहाँ हालात ठीक हो जाए। मारने मारने से तो हालात ठीक नहीं हो सकते। हमारा मौक़िफ़ यही है, हमेशा रहा है, हमारी जमात का मौक़िफ़ यही रहा है कि बातचीत से मसला हल हो जाए। जब बातचीत से मसला हल होगा तो तभी अमन आएगा, ये गोलियों से अमन नहीं आ सकता। बिल्कुल बेबुनियाद है, हमारी जमात ने बायकॉट किया है इलेक्शन में, ये जो हमारे म्यूनसिपल इलेक्शन है और ये पंचायती इलेक्शन है, दोनों इलेक्शनों में हमारा बायकॉट है 35A को लेके, क्योंकि 35A का इन्होंने डिफेंड नहीं किया अच्छी तरह से, और जो इनका मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में रहा वो बिल्कुल गलत रहा, उसके खिलाफ हमने बायकॉट की यहाँ काल दिया, बायकॉट हमने हमारी जमात ने किया है। और ये बिल्कुल बेबुनियाद है कि हमने किसी भी जगह कोई प्रॉक्सी कैंडिडेट उठाया। आपकी सही है कि आई अप्रिशिएट जो स्टेटमेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने दिए, इमरान खान ने दिया, बनते ही उन्होंने ये कहा कि वो हिंदुस्तान के साथ हम बात करना चाहते हैं, लेकिन उसका मजबूत जवाब हिंदुस्तान से यहाँ नहीं गया। तो ये हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि पिसा जा रहा है इस वक्त, कश्मीरी पिसा जा रहा है। अगर बातचीत होती है दोनों मुल्कों के दरमियान तो हम इस अजाब से निकल सकते हैं।